हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर मैं बी एल मीना असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आर्म्स एंड द मैन जॉर्ज बर्नार्ड शो द्वारा लिखित ये कॉमेडी जिसमें बहुत ही कम कैरेक्टर्स हैं, मेजर पॉल पेटकॉफ, कैथरीन पेटकॉफ, रेना पेटकॉफ, सर्जियस ब्लंसली, लूका और निकोला, बस कुछ 6-7 कैरेक्टर्स के साथ ये बड़ी ही कमाल की कॉमेडी आर्म्स एंड द मैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी। नवंबर 1885 का जो फर्स्ट एक्ट था वो कंप्लीट हो गया था। सेकंड एक्ट में सिक्स मार्च 1886 का दृश्य शुरू होता है और उस दृश्य में हम देखते हैं कि मेजर पॉल पेटकॉफ हैं, वो एक संधि करके युद्ध से लौट आए हैं। सर्जियस सेरेनॉफ उनके बाद अब वेट किया जा रहा है कि वो आएंगे और नाश्ता उनको करवाया जा रहा है, जो पॉल पेटकॉफ हैं उनको, और उनकी वाइफ जो कैथरीन पेटकॉफ है वो आकर उनका वहाँ पर अभिनंदन करती है। उन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही है, वहीं पे हमने छोड़ा था। पेज 1 से लेकर 3 हम पढ़ चुके थे, आज 4th पेज से शुरू करते हैं। तो कैथरीन, स्प्रिंजिंग इरेक्ट विद फ्लैशिंग आईज, पॉल हैव यू लेट द ऑस्ट्रियंस फोर्स यू टू मेक पीस? क्या पॉल आपने ऑस्ट्रियंस को फोर्स किया पीस के लिए? अपनी आँखों को फ्लैश करती हुई ये पूछती है। पेटकॉफ सबमिशिव मतलब थोड़ा झुकते हुए विनम्र होते हुए कहता है, माई डियर दे डिडंट कंसल्ट मी, उन्होंने मुझसे कंसल्ट नहीं किया। वट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। सी सिट्स डाउन एंड टर्न्स अवे फ्रॉम हिम, वह बैठ जाती है और थोड़ा उससे दूर। बट ऑफकोर्स वी सॉ टू इट दैट द ट्रीटी वॉज एन ऑनरेबल वन, इट डिक्लेयर्स पीस, लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा कि जो ट्रीटी है वो बड़ी सम्माननीय थी और वह पीस यानी शांति की स्थापना करने के लिए थी। कैथरीन आउटरेज्ड गुस्से में कहती है, कैथरीन पीस शांति। पेटकॉफ एपीजिंग हर, पेटकॉफ है वो उसको शांत करने की कोशिश करता है। बट नॉट फ्रेंडली रिलेशंस, लेकिन फ्रेंडली पीस का मतलब फ्रेंडली रिलेशंस से नहीं है कि हमारे संबंध हैं वो मित्रवत हो जाएंगे। रिमेंबर दैट, ये याद रखो। दे वांटेड टू पुट दैट इन, वो इसको भी रखना चाह रहे थे कि रिलेशंस हैं वो फ्रेंडली हों। बट आई इंसिस्टेड ऑन इट्स बींग स्ट्रक आउट, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया और कहा कि इसको स्ट्रक आउट की शांति है, वो फ्रेंडली जो रिलेशंस हैं वो स्थापित नहीं हो सकते। व्हाट मोर कुड आई डू, मैं इसके अलावा और क्या कर सकता था। कैथरीन यू कुड हैव एनेक्स्ड सर्पिया एंड मेक प्रिंस अलेक्जेंडर एम्परर ऑफ द बाल्कन्स, आप सर्बिया को के विभाजन की बात कर सकते थे और अलेक्जेंडर है उसको बाल्कन्स का प्रिंस घोषित कर सकते थे। दैट्स वॉट आई वुड हैव डन, मैं अगर आपके स्थान पे होती तो मैं तो यही करती। पेटकॉफ आई डोंट डाउट इट इन द लीस्ट माई डियर, मैंने कभी संदेह नहीं किया कि आप ये नहीं करती। बट आई शुड हैव हैड टू सबड्यू द होल ऑस्ट्रियन एम्पायर फर्स्ट, लेकिन उससे पहले सारा ऑस्ट्रियन एम्पायर है वो अपने कब्जे में जीतना, सबड्यू मतलब कॉन्कर, उससे पहले मुझे ऑस्ट्रियन एम्पायर है वो पहले जीतना पड़ता उसके लिए। एंड दैट वुड हैव कैप्ट मी टू लॉन्ग अवे फ्रॉम यू, और उसके लिए मुझे आपसे बहुत टाइम के लिए दूर रहना पड़ता। आई मिस्ड यू ग्रेटली, मैंने आपको बहुत मिस किया है। कैथरीन को अब ये रिझाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो कैथरीन कहती है रिलेंटिंग, कैथरीन ऑफ सी स्ट्रेचेज हर हैंड अफेक्शनेटली अक्रॉस द टेबल टू स्क्वीज हिज, उसका हाथ पकड़ने के लिए वह टेबल के अक्रॉस की तरफ अपना हाथ फैलाती है। पेटकॉफ एंड हाउ यू हैव बीन हियर माई डियर, और आप यहाँ पर कैसे थी माई डियर। कैथरीन ओ माई यूजुअल सोर थाट्स, दैट्स ऑल, ओ मेरे वही गले की प्रॉब्लम, जो सोर थाट्स हैं वो। पेटकॉफ विथ कन्विक्शन कन्विंस करता हुआ उसको कहता है, दैट कम्स फ्रॉम वॉशिंग योर नेक एवरी डे, आपको ये नेक को आप जो डेली वॉश करती हैं उससे ये प्रॉब्लम होती है शॉर्ट थ्रॉट की। आई ऑफन टोल्ड यू सो, मैंने आपको कई बार ये बताया है। कैथरीन नॉनसेंस पॉल ऐसा नहीं है। पेटकॉफ ओवर इज कॉफ़ी एंड सिगरेट, कॉफ़ी और सिगरेट के
कष्ट लेते हुए, आई डोंट बिलीव इन गोइंग टू फॉर विद दिस मॉडर्न कस्टम्स. पेटकोफ कहते हैं कि मॉडर्न कस्टम्स के साथ रिलेंट करना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि आप मॉडर्न कस्टम्स को मानो ही मानो. ऑल दिस वॉशिंग कांट बी गुड फॉर द हेल्थ. इस तरह की जो वॉशिंग्स हैं, हम वॉशिंग डेली वॉशिंग्स लेते हैं, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है. देर वॉज एन इंग्लिश मैन एट फिलिपोलिस हु यूज्ड टू वेट हिमसेल्फ ऑल ओवर विद कोल्ड वाटर एवरी मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप. एक इंग्लिश मैन था फिलिपोलिस में, वो हर सुबह उठते ही अपने आप को कोल्ड वाटर से वॉश करना प्रेफर करता था, पसंद करता था. डिस्कस्टिंग, कितना डिस्कस्टिंग है ये. इट ऑल कम्स फ्रॉम द इंग्लिश. और ये इंग्लिश मैन से ही हम लोगों ने सीखा है कि डेली बात लेनी चाहिए, वॉश करना चाहिए. देयर क्लाइमेट मेक्स देम सो डर्टी दैट दे हैव टू बी परपेचुअली वॉशिंग themselves. उनकी जो क्लाइमेट है वो उनको इस चीज़ का आदि बनाती है, वो उनको गंदा बनाती है. लुक एट माई फादर, मेरे पिता की तरफ देखो. ही नेवर हैड ए बाथ इन हिज लाइफ. उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी बाथ नहीं ली. एंड He lived to be 98, the healthiest man in Bulgaria. और 98 तक वो जीवित रहे और वो बुल्गारिया के सबसे हेल्दी व्यक्ति थे. I don't mind a good wash once a week to keep up my position. But once a day is carrying the thing to a ridiculous extreme. मैं सप्ताह में एक बार नहाने को बुरा नहीं मानता, लेकिन डेली वॉशिंग है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है. कैथरीन, यू आर ए बारबेरियन एट हार्ट स्टिल. पॉल, आप अब भी असभ्य हैं, गवार हैं हार्ट दिल से. पॉल, आई होप यू बिहेव्ड योरसेल्फ ऑल दोज रशियन ऑफिसर्स. उन रशियन ऑफिसर्स के सामने आपने अच्छे से बिहेव किया होगा. पेटकोफ, आई डिड माई बेस्ट. मैंने अच्छे से बिहेव करने की पूरी कोशिश की. आई टुक केयर टू लेट देम नो दैट वी हैव ए लाइब्रेरी. मैंने उनको ये भी बताया कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है. कैथरीन, ओ बट यू डिडंट टेल देम दैट वी हैव एन इलेक्ट्रिक बेल इन इट. आई हैव हैड वन पुट अप. लेकिन तुमने उनको ये नहीं बताया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बेल ही भी है. हमने अभी इलेक्ट्रिक बेल है वो वहाँ इंस्टॉल करवाई है. पेटकोफ, वॉज एन इलेक्ट्रिक बेल. एक इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है? कैथरीन, यू टच ए बटन, समथिंग टिंकल्स इन द किचन एंड देन निकोला कम्स अप. आपको एक बटन को टच करना होगा और कुछ बजेगा किचन में और लाइब्रेरी में, और निकोला है वो आपके पास आ जाएगा. वाही नोट्स आउट फॉर हिम. पेटकोफ कहते हैं कि उसको चिल्ला कर क्यों नहीं बुलाया जा सकता, पुकार कर क्यों नहीं बुलाया जा सकता. कहते हैं सिविलाइज्ड पीपल नेवर शाउट फॉर देयर सर्वेंट्स. आई हैव लर्न्ड दैट व्हाइल यू वर अवे. कि जो सभ्य लोग रहते हैं वो चिल्लाते नहीं हैं सर्वेंट्स के लिए, उनको आवाज़ देकर नहीं बुलाते हैं, इलेक्ट्रिक बेल से बुलाते हैं. आपकी अनुपस्थिति में मैंने ये सीखा है. कैथरीन ये जवाब देती है. पेटकोफ, वेल आई विल टेल यू समथिंग आई हैव लर्न टू. मैं भी आपको बताऊंगा कि मैंने भी कुछ सीखा है. सिविलाइज्ड पीपल डोंट हैंग आउट देयर वॉशिंग्स टू ड्राई वेयर देयर विजिटर्स कैन सी इट. सिविलाइज्ड जो पीपल होते हैं वो अपनी वॉशिंग्स जो कपड़े हैं धो के वो ऐसी जगहों पर नहीं सुखाते जहाँ और लोग उन्हें देख सकें. सो यू बेटर ऑल हैव ऑल दैट. इंडिकेटिंग द क्लोथ्स ऑन द बुशेज, झाड़ियों पे जो कपड़े सूख रहे हैं उनकी तरफ इंगित करते हुए पेटकोफ हैं वो कहते हैं कि इनको कहीं और सुखाया जाए. सिविलाइज्ड पीपल ये भी नहीं करते. कैथरीन, ओ दैट्स एब्सर्ड. ओ ये बेतुका है. पॉल, आई डोंट बिलीव रियली रिफाइंड पीपल नोटिस सच थिंग्स. ओ मेरा मानना है कि सिविलाइज्ड पीपल इस तरह की चीज़ों को नोटिस ही नहीं करते हैं. सर्जियस नॉकिंग एट द स्टेबल गेट्स गेट निकोला. सर्जियस है वो स्टेबल गेट जो अस्तबल का गेट है वहाँ पे निकोला को पुकारता है. पेटकोफ, देयर सर्जियस. पेटकोफ कहता है कि सर्जियस है साउटिंग. सर्जियस से चिल्ला रहा है हेलो निकोला, हेलो निकोला. कहती है ओ डोंट साउट पॉल, इज रियल इजंट नाइस. चिल्लाओ मत. जब वो निकोला को आवाज़ देता है पेटकोफ कि गेट खोलने के लिए कि सर्जियस आ गए हैं, तो निकोला नहीं आता है तो वो चिल्लाते हैं. तो कैथरीन कहती है कि चिल्लाओ मत, ये इलेक्ट्रिक बेल है, इसका बटन है, इसको दबाओ. कैथरीन, ओ डोंट साउट पॉल, इट रियली इजंट नाइस. ये नाइस अच्छा प्रतीत नहीं होता है. बॉश, बॉस. पेटकोफ कहते हैं बॉश, बॉश मतलब नॉनसेंस. ही साउंड्स लाउडर देन बिफोर. निकोला पहले से भी ज़्यादा तेज वो चिल्लाता है. निकोला, निकोला अपीयरिंग एट द हाउस
डोर हाउस डोर पे आता है, यस सर पेटकोफ आर यू डीफ, क्या तुम बहरे हो गए हो, डोंट यू हियर मेजर सेरेनॉफ नॉकिंग, कि मेजर सर्जियस सेरेनॉफ है वो नॉक कर रहे हैं दरवाजे पे, आपको सुनाई नहीं दे रहा, ब्रिंग हिम राउंड दिस वे, इस तरफ से उनको लेकर आइए, ही प्रोनाउंसेस द नेम विद द स्ट्रेस ऑफ द सेकंड सिलेबस सेरेनॉफ, वो उसको सेरेनॉफ की तरह प्रोनाउंस करता है, निकोला यस यस मेजर, ही गोज इनटू द स्टेबल यार्ड की तरफ से जाता है और कहता है यस मेजर, हाँ मेजर, पेटकोफ यू मस्ट टॉक टू हिम माय डियर अंटिल रेना टेक्स हिम ऑफ आवर हैंड्स, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए जब तक रेना उसको हमारे यहाँ से खुद के पास नहीं ले जाती, ही बोर्स माय लाइफ आउट अबाउट आवर नॉट प्रमोटिंग हिम ओवर माय हेड इफ यू प्लीज, आपके ये जो सर्जियस हैं इन्होंने प्रमोशन को लेकर मेरे जो सर है वो बहुत खाया है वहाँ पे, मुझे बहुत परेशान किया है, कैथरीन ही सर्टेनली ऑट टू बी प्रमोटेड व्हेन ही मैरीज रेना, जब रेना से उसकी शादी हो जाए तब उसको प्रमोशन दे देना, बिसाइज द कंट्री शुड इंसिस्ट ऑन हैविंग एटलीस्ट वन नेटिव जनरल, हमारे कंट्री को भी ज़रूरत है कि एक नेटिव जनरल हो इनका, पेटकोफ यस सो दैट ही कुड थ्रो अवे होल ब्रिगेड्स इंस्टीड ऑफ रेजिमेंट्स, कि होल ब्रिगेड्स पूरी ब्रिगेड को ही वो जो मशीनरी थी उसके सामने फेंक सके, अभी तो उसने रेजिमेंट को ही फेंका है, तो जो ब्लंसली जो बात कह रहा था वो यहाँ पे सच कहती हुई प्रतीत हो रही थी रैना को जो बताया था ब्लंसली ने वो यहाँ पे सही प्रतीत हो रहा है, यस सो दैट थ्रो अवे होल ब्रिगेड्स इट्स नो यूज माई डियर ही हैजंट द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ प्रमोशन अंटिल वी आर क्वाइट श्योर दैट द पीस विल बी ए लास्टिंग वन, अगर संधि है शांति की जो संधि का प्रस्ताव है वो लंबे समय तक नहीं चला तो उसकी जो प्रमोशन का ख्याल है उसके बहुत कम चांस हैं, निकोला एट द गेट अनाउंसिंग मेजर सर्जियस सेरेनॉफ गोज इन टू द हाउस एंड रिटर्न्स प्रेजेंटली विद द थर्ड चेयर विच ही प्लेसेज एट द टेबल ही देन विदड्रॉज, तीसरी टेबल एक चेयर लाता है और टेबल के पास में रख देता है और इसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है, मेजर सर्जियस सेरेनॉफ द ओरिजिनल ऑफ द पोर्ट्रेट इन द रेनाज रूम, रेना के रूम में जो चित्र था उसका ओरिजिनल रूप है ये, इज ए टॉल रोमांटिकली हैंडसम मैन विद द फिजिकल हार्डीवुड द हाई स्पिरिट इन द ससेप्टेबल इमेजिनेशन ऑफ एन अनटेम्ड माउंटेनियर शिफ्टमैन, माउंटेनियर की जैसे ये प्रतीत हो रहा है, इसके फिजिकल अपीयरेंस की यहाँ पे बखान किया गया है, बट इज रिमार्केबल पर्सनल डिस्टिंक्शन इज ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिकली सिविलाइज्ड टाइप का ये लग रहा है, द रिजेज ऑफ हिज आईब्रोज कर्विंग विद एन इंटरोगेटिव ट्विस्ट राउंड द प्रोजेक्शन एट द आउटर कॉर्नर्स, हिज जेलस ऑब्जर्वेंट आईज, हिज नोज थिन एंड कीन एंड एप्रहेंसिव इन स्पाइट ऑफ द पुग्नेशियस हाई ब्रिज एंड लार्ज नोस्ट्रिल्स, हिज एजर्टिव चिन वुड नॉट बी आउट ऑफ द प्लेस इन ए पर्शियन शेलॉन, showing that the clever imaginative barbarian has an acute critical faculty which has been thrown into intense activity by the arrival of western civilization in the Balkans, the result is precisely that the advent of 19th century thought first produced in England, to wit Byronism, by his brooding on the perpetual failure not only of the others but of himself to live up to his ideals, by the consequent cynical scorn of humanity, by his jejune credulity as to the absolute validity of his concepts and unworthiness of the world in disregarding them, by his wincings and mockeries under the sting of the petty disillusions which were every hour spent among man brings to his sensitive observations, he has acquired the half tragic half ironic air, the mysterious moodiness, the suggestion of a strange and terrible history that has left nothing but undying remorse, by which Childe Harold fascinated the grandmothers of the English contemporaries. It is clear that here or nowhere in Rena's ideal hero, Catherine is hardly less enthusiastic about him than her daughter, and much less reserved in saving her enthusiasm. As he enters from the stable gate, she rises effusively to greet him. Petkov is distinctly less disposed to make a fuss about him. इस तरह से जिस तरह से इसकी एंट्री होती है इसके फिजिकल अपीयरेंस की और रैना और वो कितने उत्साहित हैं इसको लेकर कैथरीन, इसके बारे में यहाँ पे विवरण दिया गया है. पेटकोव कहते हैं, पेटकोव ज़्यादा उत्साहित नहीं है इसको लेके, तो पेटकोव कहते हैं, हेयर ऑलरेडी सर्जियस ग्लेड टू सी
हेयर, मैं तो यहाँ पर पहले से ही हूँ। सर्जियस ग्लेड टू सी यू, आपको देख के मैं और प्रसन्न हुआ। कैथरीन माई डियर सर्जियस, उसको माई डियर सर्जियस कह के संबोधित करती है। सी होल्ड्स आउट बोथ हर हैंड्स, दोनों उसके हाथ पकड़ लेती है। सर्जियस किसिंग देम विद स्क्रूपलस गैलेंट्री, गैलेंट्री के साथ, वीरता के साथ वो उनको किस करता है। माई डियर मदर, इफ़ आई मे कॉल यू सो, क्या मैं आपको मदर कह सकता हूँ। पेटकॉफ ड्रीली, पेटकॉफ हैं वो थोड़ा उधेड़ बुन से कहते हैं। मदर इन लॉ सर्जियस, मदर इन लॉ सिट डाउन एंड हैव सम कॉफ़ी, मदर इन लॉ है सर्जियस, मदर इन लॉ थोड़ा बैठो और कॉफ़ी पियो। सर्जियस थैंक यू, नन फॉर मी, मेरे लिए नहीं है। ही गेट्स अवे फ्रॉम द टेबल विद ए सर्टेन डिस्टेंस फॉर पेटकॉफ्स एन्जॉयमेंट ऑफ इट एंड पोज हिमसेल्फ विद कॉन्शियस डिग्निटी अगेंस्ट द रेल ऑफ द स्टेप्स लीडिंग टू द हाउस, जहाँ पे एक रेल लगी हुई है उधर जाता है और वहाँ थोड़ा खड़ा हो जाता है दूर जाके। कैथरीन यू लुक सुपर्ब, सुपर्ब दिख रहे हो। द कैंपेन हैज़ इम्प्रूव्ड यू सर्जियस, कैंपेन ने आपको इम्प्रूव किया है सर्जियस। एवरीबडी हेयर इज़ मैड अबाउट यू, आपके लिए हर एक व्यक्ति यहाँ पागल है। वी वर ऑल वाइल्ड विद एंथुजियाज्म अबाउट द मैग्निफिसेंट कैवलरी चार्ज, हम सभी एंथुजियाज्म बड़ा उत्साहित थे आपके जो कैवलरी चार्ज है उसको लेकर। सर्जियस विद ग्रेव आयरनी, सर्जियस है वो बड़ी आयरनी के साथ कहते हैं, मैडम इट वॉज द क्रेडल एंड द ग्रेव ऑफ माई मिलिट्री रेपुटेशन, कि ये तो सिर्फ पालना था, पालना था मतलब ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। क्रेडल मीन्स जो पालना होता है बच्चों का उसको क्रेडल कहते हैं, तो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन कैवलरी ने मेरी मिलिट्री रेपुटेशन को खंडित किया है, नुकसान पहुँचाया है। कैथरीन कहती है ऐसा कैसे। और आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम ये इतने पेज, तीन पेज हैं जो आप आज हमने पढ़ लिए हैं। आई होप कि ये पसंद आए होंगे। सर जी इसके विवरण दिया गया है फिजिकल, इसको हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। तो आई होप कि आपको ये तीनों पेजेस ठीक से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।